हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और टेक न्यूज वीडियो के अंदर, जहां पर गाइज आपको लेटेस्ट लीक्स, रूमर्स, अपकमिंग स्मार्टफोन और गैजेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए यार लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। गाइज वीडियो पसंद आने पे यार जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। फ्रेंड्स, हफ्ते की लास्ट टेक न्यूज शुरू करते हैं यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन से। गाइस, आपको पता होगा कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर लॉन्च हो चुका है, जहाँ पर आपको काफी सारे स्मार्टफोन्स भी देखने को मिले हैं। लेकिन अब यहाँ पर इसका सक्सेसर भी आ रहा है, जिसका नाम है यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्लस। जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर Geekbench वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है, जहां पर इसके जो सिंगल कोर स्कोर है और इसी के साथ में इसके जो मल्टी कोर स्कोर है, वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर Realme के बेटे Daiso की, तो दोस्तों Daiso भी बहुत जल्द अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स को लेकर के आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही इनके जो प्रोडक्ट्स हैं Daiso GoPods, GoPods D और इसी के साथ में Daiso की जो वॉच है, ये वियतनाम के Shopee वेबसाइट पर लिस्ट हो चुकी है, जहाँ पर इनकी पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन और इनकी प्राइसिंग भी सामने आ चुकी है। और यहाँ पर Daiso की वॉच की तो ये अराउंड आपको देखने को मिलेगी 4,500 रुपये के आसपास। इसी के साथ में आपको यहाँ पर Daiso GoPods D भी देखने को मिल जाएगा अराउंड 2500 रुपीज के आसपास में। लेकिन यहाँ पर आपको जो Daiso GoPods देखने को मिलेगा, ये अराउंड आपको यहाँ पर 9000 रुपीज के आसपास में देखने को मिलने वाला है। ये सभी प्रोडक्ट्स वियतनाम में लॉन्च हुए हैं, लेकिन ये सभी प्रोडक्ट्स अपनी इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी सर्टिफाई हो चुके हैं, जिसका मतलब कि बहुत जल्द ये प्रोडक्ट्स आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग भैया की यार, तो सैमसंग भैया बहुत ही ज्यादा महंगे टैबलेट्स लेकर के आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गाइस सैमसंग ने यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 फैन एडिशन को लॉन्च किया था, लेकिन अब यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 सीरीज भी आने वाली है। और यहाँ पर इस सीरीज के अंदर आपको 3 टैबलेट्स देखने को मिलेंगे, S8, S8 प्लस और S8 अल्ट्रा। और जो S8 अल्ट्रा होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम होगा, और इसी के साथ में यहाँ पर आपको 14.6 इंचेस की OLED की 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। 8GB और 12GB वाले दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में इस टैबलेट के अंदर आपको यहाँ पर 12,000 mAh का बड़ा मैसिव बैटरा भी देखने को मिलने वाला है। ये टैबलेट आपको अराउंड 96,000 रुपीज़ के आसपास में देखने को मिलने वाला है। साथ ही बात करें यहाँ पर S8 प्लस की, तो ये भी आपको 12.6 इंचेस की OLED वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। और यहाँ पर आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों में आपको यहाँ पर 8GB रैम देखने को मिल जाएगी और 128 प्लस 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर बैटरी की, तो यहाँ पर भी आपको 10,090 mAh का बड़ा बैटरा देखने को मिल जाएगा, की जो प्राइसिंग होगी वो अराउंड आपको 75,000 रुपीज़ के आसपास में देखने को मिल जाएगी। करें यहाँ पर सबसे अफोर्डेबल S8 की, तो यहाँ पर आपको 11 इंचेस की TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश देखने को मिल जाएगी। अगर इसकी प्राइसिंग की, तो ये अराउंड आपको 53,000 रुपीज के आसपास में देखने को मिलने वाला है। गाइस, ये टैबलेट आपको कैसे देखने को मिलने वाले हैं, वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग की एक और न्यूज की, तो सैमसंग बहुत जल्द अपने नए प्रीमियम TWS को भी लॉन्च करने वाले हैं, जिनका नाम होगा यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स 2। और ये बर्ड्स FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सर्टिफाई हो चुके हैं, जहां पर ये बर्ड्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे, साथ ही इनका जो केस होगा वो आपको कैसा देखने को मिलने वाला है, वो भी आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। करते हैं यहां पर कुछ महंगे वाले फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की, तो गाइस बहुत जल्द सैमसंग, ओप्पो और वीवो, ये तीनों ही ब्रांड्स कुछ नए फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को लेकर के आने वाले हैं, और ऐसी उम्मीद है कि ये फोल्डेबल स्मार्टफोन्स आपको इसी साल के Q3 में देखने को मिल सकते हैं। हम सबके चहेते इन्फिनिक्स भी बहुत जल्द अपने दो नए स्मार्टफोन्स को लेकर के आने वाले हैं, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे इन्फिनिक्स नोट 10 और नोट 10 प्रो। अब ये दोनों ही स्मार्टफोन इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सर्टिफाई हो चुके हैं, जिसका मतलब कि बहुत जल्द यानी दोस्तों अगले महीने में ही ये दोनों स्मार्टफोन आपको इंडिया के तरफ देखने को मिलने वाले हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पर ओप्पो की, और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओप्पो रेनो 6 सीरीज के दो स्मार्टफोन्स आपको कम से कम इंडिया के अंदर बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि ओप्पो रेनो 6 प्रो इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सर्टिफाई हो चुका था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, लेकिन अब यहाँ पर ओप्पो रेनो 6 भी इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सर्टिफाई हो चुका है, जिसका मतलब कि अब बहुत जल्द ये दोनों स्मार्टफोन अब आपको इंडिया के अंदर अब देखने को मिलने वाले हैं। सब बात करते हैं यहाँ पर Realme की, तो दोस्तों Realme ने अभी हाल ही में Realme C25S ये जो स्मार्टफोन है, इसे मलेशिया में लॉन्च किया था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक लेटेस्ट लीक सामने आ रही है, और अगर हम इस लीक की माने, तो ये स्मार्टफोन आपको जून महीने में ही इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है।
Realme का X7 Max 5G गाइस, ये स्मार्टफोन तो 31 मार्च को इंडिया के अंदर लॉन्च होने ही वाला है, लेकिन स्मार्टफोन GT सीरीज में से एक स्मार्टफोन है जो कि आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर एक और लीक सामने आ चुकी, Realme का जो ओरिजिनल GT वाला वेरिएंट है दोस्तों, ये वेरिएंट भी Realme की ऑफिशियल इंडियन वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है, जिसका मतलब कि बहुत जल्द ये वेरिएंट भी आपको इंडिया के अंदर अब देखने को मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप बोर तो नहीं हुए ना? तो यार Realme की न्यूज यहीं पर खत्म नहीं होती गाइस, Realme के तीन और स्मार्टफोन Realme के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट हो चुके हैं। ये तीनों ही स्मार्टफोन एक्सीडेंटली Realme के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट हुए हैं, जहां पर आपको देखने को मिलेगा Realme 9, Realme GT 2 और इसी के साथ में Realme XT 3। ये जो तीनों स्मार्टफोन है, ये तीनों स्मार्टफोन भी बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी तक इनके बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे इसके बारे में और भी कुछ पता चलेगा हम आपको जरूर से बता देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं एंड, लेकिन गाइस उससे पहले अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और दोस्तों अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर आखिरी न्यूज की, और आखिरी न्यूज है यहां पर वीवो के बड़े बेटे iQOO की। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि iQOO Z3 ये स्मार्टफोन अब आपको बहुत जल्द जून महीने के अंदर ही इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर एक और लीक सामने आ चुकी है और गाइस अब यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि iQOO Z3 ये स्मार्टफोन इंडिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 768G का 5G चिपसेट देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप इस फोन का वेट कर रहे थे तो अब आपको बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत जल्द अब ये स्मार्टफोन आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। सो गाइस वीडियो यहीं पर एंड होती है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।